नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें पहले ही दिन ही चंदेरी के प्रमुख मंदिरों में भक्तों का सैलाब देखने को मिला, जहां पर सुबह मां की आरती हुई, जिसमें काफी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। श्रद्धालु मंदिर पहुंचे और मां के चरणों में जल अर्पित किया। मां जागेश्वरी शक्ति पीठ, मेघासन मंदिर, माता मढ़ मंदिर, बिजासन मंदिर सहित अन्य देवी मंदिरों पर सुबह से ही भक्तों की भीड़ देखने को मिली। आपको बता दें कि आज के दिन लोग मंदिरों में सुबह से ही पूजा करने के लिए पहुंचे, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता रानी की पूजा करने के लिए पहुंचे, जिसमें काफी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए, जिसके बाद माता रानी के जयकारों से मंदिर गूंज उठा। वहीं मां दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भक्तों का आना अभी भी जारी है। यही आलम ग्रामीण क्षेत्रों में भी मंदिरों का है, जहां माता रानी के भक्त सुबह से ही पूजन अर्चना कर रहे हैं। माता रानी के जयकारों से सुबह से ही नगर ग्रामीण क्षेत्रों में भक्ति का माहौल बना हुआ है। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का आना जाना लगातार जारी है। मंदिर में हर वर्ष यहाँ पर दुर्गा यज्ञ होता है, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा होती है, शिव निर्माण होते हैं, अखंड कन्या भोज होता है एवं श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा होती है, जो कि गत लगभग 30 वर्ष से चली आ रही है। यहाँ बड़े दूर दूर से श्रद्धालु गण आते हैं और देवी जी से मन मुराद है, उनकी मन की इच्छाएं पूरी होती हैं, जो भी इच्छा लेके आते हैं उनकी इच्छाएं पूरी होती हैं। और हर वर्ष की भांति प्रतिवर्ष यहाँ पर बड़े बड़े अनुष्ठान कार्यक्रम होते हैं, किसी न किसी नए देवी देवता की यहाँ पर हर वर्ष प्रतिष्ठा होती है।